हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल रियल लाइफ विथ रेनू। तो आई थिंक मॉर्निंग के 11 या 11:30 बज रहे हैं, मुझे टाइम का एग्जैक्ट पता नहीं है क्योंकि मेरी घड़ी का सेल ख़राब हो गया है। आई थिंक इतने ही बज रहे हैं, तो मैं थोड़ी सी रेडी हो रही हूँ क्योंकि आज है गणगौर। तो आप सब ने मुझे ज़्यादातर व्लॉग्स में देखा ही होगा कि मैं बहुत ही सिंपल और ये सब तामझाम करे बिना ही रहती हूँ। बट साल में ऐसे दो ये पर्व आते हैं जिसमें कि मैं ये जो सिंगार होते हैं सुहागनों वाले, ये करती हूँ। जैसे कि एक है करवा चौथ और दूसरा ये गणगौर। तो ये सुहागनों के लिए होता है, तो मैं सारी चीज़ें पहनकर और जैसे कि एक सुहागन व्रत रखती है बस उस तरह से सारी, यानी जो भी रीति रिवाज हैं वो कम्प्लीटली करती हूँ और इन व्रतों को भी रहती हूँ। और मुझे अच्छे भी लगते हैं कि चलो इसी बहाने से ही थोड़ा सा श्रृंगार भी हो जाता है एक सुहागन वाला। तो बस ये सारी चीज़ें आज मैंने पहनी हैं क्योंकि ज़रूरी होती हैं और इस व्रत में इन चीज़ों को पूजा जाता है, जो कि मैं आपको आगे चल के वीडियो में दिखाऊँगी। तो मैं आ गई हूँ पूजा करने, हमारे एक पड़ोसी हैं उनके वहाँ पर ये पूजा होती है। तो ये जो मिट्टी है, तो ये पटे पर जो रखी हैं वो गणगौर माता हैं, मिट्टी के बनाई जाती हैं और इनको तिलक वगैरह करके इनकी पूजा करेंगे। और दीवार पर इस तरह से कंकु, हल्दी, काजल, मेहंदी, सिंदूर, महावर, इन सब के 16 बिंदियां बनाई जाती हैं क्योंकि औरत का सिंगार 16 माना जाता है, 16 सिंगार होते हैं, तो 16 बिंदी की जाती हैं। और जो मैंने आपको बताया था कि सारी सुहागन की चीज़ों को पूजा जाता है, तो ये हमारी पड़ोस की एक भाभी हैं, यानी मेरी काफ़ी अच्छी इनसे बनती है। तो ये हैं, ये इस वक्त अपनी सुहाग की चीज़ों को पूज रही हैं 16 बार, और मैं भी करूँगी आके, तो मैं भी बताऊँगी। तो जो भी थोड़ा बहुत मैं कैप्चर कर पाई हूँ मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये जो गणगौर हैं इन पर गुना वगैरह चढ़ाए जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर बतासों से पूजा की थी। और सबसे मेन होता है कि यहाँ पर हल्दी, मेहंदी, काजल, सिंदूर और महावर, ये 5 चीज़ें सुहाग की होती हैं, ये इन पर पहले चढ़ाई जाती है, देन फिर हम अपने शरीर पर लगाते हैं। तो इसी तरह से मैं देखिए सुहागन की जो चीज़ें होती हैं जैसे कि महावर, चूड़ी और बिछिए, तो इन सब पे मैं जो ये पानी रखा हुआ है, ये गणगौर से चढ़ाया हुआ पानी है, तो इससे मैं अपनी चीज़ों को यानी पवित्र कर रही हूँ। जो भी यानी इसके जो रीज़न है वही कि है सदा हमारा सुहाग अमर रहे, इसे किसी की नज़र ना लगे, बस एक इसी तरह से इन्हें सदा अमर रहने के लिए पूजा जाता है। तो बस इसी तरह से मैं 16 बार अपने सुहाग की चीज़ों को पूजूंगी और इसीलिए मैंने सारी चीज़ें पहनी थी क्योंकि इन चीज़ों का इस तरह से पूजन किया जाता है। और उसके बाद फिर जो भी होगा मैं आपको वीडियो में आगे आगे बताती जाऊंगी। और मैं ज़्यादा कुछ तैयार नहीं हो पाई क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत ख़राब थी एक दिन पहले से ही, तो बस साड़ी पहनकर और एक हल्की सी मैंने अपनी सनस्क्रीन लगाई थी और कुछ भी नहीं कर पाई थी, और लिपस्टिक लगाई थी बस। अब यहाँ पर जो मैंने अपने सासू माँ के लिए जो चीज़ें ली हैं उन्हें जो छिरकना कहते हैं यानी उनके नाम के निकाल दिए हैं, तो उनका मैंने पूजन किया है। तो मैंने केवल 5 चीज़ ली हैं और चूड़ियाँ यानी सुहागन की 5 चीज़ ली हैं, बाकी मैंने पैसे रख दिए हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और पूजा करने के बाद अब हम जा रहे हैं सूरज देवता को जल चढ़ाने के लिए यानी अर्घा देने के लिए, फिर उसके बाद हम अपना व्रत खोलेंगे। तो हम सब लेडी जो भी हैं हमारे पड़ोस की, तो हम सब जा रहे हैं अर्घा देने के लिए। और आपने इस तरह से मुझे फर्स्ट टाइम देखा होगा मेरे व्लॉग में साड़ी और सर पर पल्लू, क्योंकि हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो सर पे पल्लू रखते हैं, और मैं घर में चाहे कैसे भी रहूं बट मैं बाहर इसी तरह से निकलती हूं, यही मेरा असली रूप है जो कि आप लोगों ने आज तक नहीं देखा, क्योंकि यहाँ का माहौल जो ऐसा है वहाँ पर इसी तरह से सबकी बहुएँ रहती हैं मुझे छोड़ के, मैं हालाँकि अलग तरह से रहती हूँ। तो बस हम लोग बाहर आ गए हैं और साड़ी के जो पल्लू होता है वहाँ उसको पकड़ के सूरज देवता को अर्घ लगाया जा रहा है और अपने पति की लंबी उम्र के लिए दुआ की जा रही है। तो मेरे लोटे में पानी रह गया था तो मैं फिर से यानी अपना अर्घ स्टार्ट कर रही थी। तो बस इसी तरह से पूजा करते हैं, सूरज देवता को चरण ढोक करते हैं यानी, और सूरज देवता को जल चढ़ाने के बाद हम यहाँ पर आए हैं। तो ये जो गणगौर माता पे धूप और फूल होते हैं जो चढ़ाए जाते हैं, तो उन सब चीज़ों को पानी में डाला जाता है और उन्हीं चीज़ों से हमें 5 या 7 बार ये चीज़ें दी जाएंगी और इन्हें हमें बिना चबाए हुए निगलना होता है। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, थोड़ी सी दूब, थोड़ा सा फूल का
यानी थोड़ा सा थोड़ा तोड़ के डाला जाता है, और बतासा और जो उन्हें गुनाह चढ़ते हैं वो सारी चीज़ों को तोड़कर थोड़ा थोड़ा हमें दिया जाता है, और हमें उसे बिना चबाए ही निगलना पड़ता है। और इस तरह से करने के बाद फिर हम पानी पी सकते हैं, यानी हम अपना व्रत खोल सकते हैं। तो ये जो रीति रिवाज जो थोड़े बहुत यहाँ पर होते हैं और मुझे सिखाया जा रहा है, क्योंकि मैं इतना सब कुछ नहीं जानती, तो वो मुझे जैसे बता रही हैं उस तरह से मैं करती जा रही हूँ। तो इसी तरह से इस व्रत को खोला जाता है, हमारे यहाँ इसी तरह से होता है, और कहीं कैसे होता है वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि शादी के बाद ही मैंने देखा है, मेरे पियर में नहीं। तो व्रत वगैरह खोलने के बाद फिर हम लोग थोड़ा सा बाहर आके खड़े हुए, हम लोग अपने फ़ोटो लेना चाह रहे थे, बट हमें पता ही नहीं था कि हमारी वीडियो शूट हो रही है। और वहाँ मेरा बेटा उनके घर से ना सूखी रोटियाँ उठा उठा कर ला रहा था, तो हम लोग सब मस्ती कर रहे थे, यानी थोड़ी देर के लिए हम लोग इन्जॉय कर रहे थे वहाँ पर। और बस इसी तरह से हमने थोड़ा सा इन्जॉय किया, मस्ती की। उसके बाद तो अब मैं आ चुकी हूँ घर पे, तो खीर सब्जी और रायता वगैरह मैं बना चुकी थी पहले ही, और पूड़ियों का भी आटा मैंने लगा के रख दिया था। अब वहाँ से पूजा करके आई हूँ, तो मुझे शायद 12:30-1 के टाइम हो चुका था। तो मैंने आके फटाफट से, पहले तो मैं अपनी बेटी को स्कूल लेने गई, स्कूल से ला के फिर मैंने पूड़ियाँ बनाई, क्योंकि हस्बैंड तो स्कूल में थे और बेटी को भी लेने जाना था। तो मैं फटाफट से फिर इसी तरह से स्कूटी पर गई, हालांकि मुझे साड़ी में स्कूटी नहीं संभल रही थी, फिर भी मैं गई। और फटाफट से आके मैं अब पूड़ियों की लोई बना रही हूँ, क्योंकि मैं क्या करती हूँ सारे आटे को तोड़ के पहले उनकी छोटी छोटी पेड़े बना लेती हूँ, फिर मैं पूड़ी बेलती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारी पूड़ियों को एक साथ बेल कर रख लिया है, उसके बाद ही फिर मैं इन्हें सेक रही हूँ। और ऐसे करने से दो फायदे होते हैं कि एक तो हमारा टाइम बचता है और हमारा ऑयल बचता है। अब आप कहेंगे ऑयल कैसे बचता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हम एक एक पूड़ी बेलेंगे और साथ में सेकेंगे, तो जब तक हम पूड़ी बेलेंगे तब तक हमारा ऑयल जलता रहेगा, तो इससे क्या होता है कि ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि सारी पूड़ियों को पहले बेल कर रख लेती हूँ, फिर कढ़ाई में ऑयल लेकर उसे सारी पूड़ियों को एक साथ निकाल लेती हूँ। तो उससे क्या होता है, अब आप जानेंगे होंगे कि मेरा ऑयल बचता है और टाइम भी। तो मैं इसी तरह से हमेशा पूड़ी बेलती हूँ, और जब हम अकेले अगर पूड़ी बेलते हैं तो बहुत ही दिक्कत आती है, कि ऐसा लगता है जैसे कोई साथ में हमें खड़े होकर बेल दे तो हम जल्दी जल्दी से सेक लें। जब मेरे हस्बैंड फ्री होते थे, जॉब करते थे, तब ऐसा ही करते थे कि मैं बेलती थी, वो सेकते थे। बट अब उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो मेरे किसी भी काम में मुझे सपोर्ट कर पाएँ, तो सारा काम अब मुझे अकेले ही करना पड़ता है। तो बस मैं धीरे धीरे करके अपनी सारी पूड़ियों को इस तरह से सेक लूँगी। और मुझे आप लोगों को एक बात और बतानी थी कि आज गणगौर का दिन है, और आज गणगौर माता ने मुझे बहुत ही बड़ा गिफ्ट दिया है, जो कि शायद मेरे लिए तो यानी बहुत ही बड़ा है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो क्या गिफ्ट है। तो आज के दिन ही मेरे मॉर्निंग में 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे, एंड मैं इतनी खुश थी बट मैं इस दिन को अच्छे से सेलिब्रेट भी नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत ख़राब थी। तो जब मेरे बेटे की तबीयत अच्छी हो जाएगी कम्प्लीटली, तो मैं अपने इस दिन को यानी 1K सब्सक्राइबर जो हुए हैं तो उसको मैं ज़रूर सेलिब्रेट करूँगी आप लोगों के साथ, मैंने सोच रखा है। बट थोड़ा सा मेरा बेटा रिकवर हो जाए, देन मैं अपना सेलिब्रेट करूँगी। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। और एक बात और बतानी है कि अचानक से ही हुए हैं, क्योंकि मेरे 500 अराउंड कुछ सब्सक्राइबर थे, और पता नहीं कौन सी मेरी एक वीडियो वायरल हो गई, किचन टू यानी काउंटर टॉप की जो मैंने वीडियो डाली थी किचन की, तो वो मेरी वीडियो वायरल हो गई और उसमें 33,000-34,000 के करीबन मेरे व्यू आ गए। और अचानक से ही मेरे सब्सक्राइबर 3-4 दिनों के अंदर ही मेरे सब्सक्राइबर 500 से लेकर आज 11 यानी ऐसा ही कुछ है कि 1100 के आसपास मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो मैं इस दिन को सेलिब्रेट ज़रूर करूँगी, लेकिन मुझे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये बात शेयर की, क्योंकि आप सबकी वजह से ही ये सब हुआ है। तो मैं आप लोगों को बहुत ही दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। तो आप लोगों के लिए केक तो बनता है, तो मैं ज़रूर ये दिन सेलिब्रेट करूँगी। तो ये है मेरा सिंपल सा खाना, पूड़ी रायता खीर आलू गोभी की सब्ज़ी। बनाना तो बहुत कुछ आ रही थी, लेकिन मोलू की वजह से मैं नहीं बना पाई, क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं थी। तो चलो कोई बात नहीं, अब दोबारा कभी मौका मिलेगा, क्योंकि अभी नवरात्रि है, तो नवरात्रि में जब नवमी आएगी तब भी हमारे यहाँ ऐसा ही खाना बनता है, तो तब मैं
ज़रूर अच्छा खाना बनाऊंगी, इससे बेटर बनाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि बस मैं यही दुआ करती कि उस दिन उसकी तबीयत ख़राब ना हो। तो इस वक्त शाम के 5 बज रहे हैं और आप सोचेंगे मैं फिर से यहाँ पर क्यों आई हूँ। तो अब हमारी पूजा कंप्लीट करने का टाइम आया है। तो ये जो गौरी माता हैं जो कि मिट्टी से बनाई जाती हैं, तो इन्हें अब पानी पिलाया जाएगा, देन फिर हमारा जो व्रत है वो कंप्लीट होगा। तो मेरे हाथ में ये सोने की रिंग है, तो इन्हें सोने की रिंग से ही पानी पिलाया जाता है। और हमारे ये पड़ोस की आंटी हैं, तो वही मुझे ये सारी चीज़ें सिखा रही हैं। तो जो धूप और फूल थे उन्हें उनको अंगूठी में डालकर फिर अंगूठी से 7 बार गौरा माता को पानी पिलाया जाएगा। उसके बाद फिर हमारा व्रत कंप्लीट होगा। तो मैं उन्हें 7 बार इस तरह से पानी पिला दूंगी। 7 या 5 बार ऐसा ही कुछ होता है आई थिंक। फिर मैंने उनके पैर छुए हैं और अब लास्ट में हमारा जो काम है, आंटी मुझे बता रही हैं कि ये जो उन्होंने कपड़े की चीर निकाल के रखी है, तो इसे अब पल्लू के छोर पर बांधा जाएगा। तो मैं हर साल इसी तरह से अपने पल्लू के छोर पर एक कपड़े को बांधती हूँ। मेरी आई थिंक 5 साड़ियों में ये चीज़ बंधी हुई भी है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो पति हैं वो हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें, कभी हमसे अलग ना हों, हमारा साथ छोड़कर कभी कहीं ना जाएं, यानी इसकी मान्यता ये होती है। तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बस इस तरह से अब मैंने ये जो धागा था ये बांध लिया है और यहाँ आकर हमारी पूजा कंप्लीट होगी। तब मैं गौरा माता के पैर छूंगी और वहाँ से खड़ी हो जाऊँगी। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए। बाय बाय।